नमस्कार, रवि शास्त्री भारतीय क्रिकेट टीम के कोच नियुक्त हो चुके हैं। आने वाले दिनों में भारतीय क्रिकेट टीम को काफी क्रिकेट खेलना है। क्या होगी भारतीय टीम की रणनीति और क्या करेंगे नए कोच, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश रणजी टीम के पूर्व कप्तान, पूर्व कोच और फिलहाल बीसीसीआई लेवल 2 के कोच श्री देवाशीष जिलोथी जी, आपका स्वागत है। पहले सवाल जिलोथी जी, रवि शास्त्री के कोच बन जाने से भारतीय टीम का माहौल किस तरह बदलेगा? देखिए, रवि शास्त्री की अगर हम बात करें तो बहुत प्रोफेशनल बंदा है और जितना उस लेवल पे आप बड़ी टीम को जब आप हैंडल करते हो तो उसमें बहुत एक लाइट एटमॉस्फेयर आपको क्रिएट करना रहता है। वो मेरे ख्याल से रवि शास्त्री ने पिछली बार किया भी है। जितना भी टाइम उन्होंने कोच बन के रहे हैं, डायरेक्टर बन के रहे हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को मेंटेन किया है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि प्लेयर्स से आपकी रेपो कैसी है। तो मेरे ख्याल से जो अभी तक हमने भी देखा है और समझ में आया है कि रवि शास्त्री की रेपो प्लेयर्स के साथ, कैप्टन के साथ बहुत अच्छी है और बहुत फ्रेंडली। तो मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी आना चाहिए। क्योंकि आपने क्रिकेट के स्तर पर कोचिंग को बहुत करीब से देखा है, आप इसके अप्स एंड डाउन समझते हैं। रवि शास्त्री डायरेक्टर रह चुके हैं, अब वो टीम के कोच होंगे, उनकी भूमिका में मोटा बदलाव आएगा क्या? आएगा नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। हाँ ठीक है, मतलब वो आप ये कह रहे कि भाषा चेंज हो गई, ये कि भाई डायरेक्टर थे, अब वे कोच हो गए हैं। हाँ, जिम्मेदारी निश्चित तौर पे बढ़ जाती है जब आपके पास हेड कोच वाली एक लेवल जो लग जाता है, तो निश्चित तौर पे उसकी जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। और इंडियन टीम जिस लेवल पे खेल रही है, सारे प्लेयर्स उस लेवल पे, क्या होता है कि सारे प्लेयर्स भी इंडिविजुअल परफॉर्मर्स हो जाते हैं, तो उनको अपना भी करना रहता है, साथ साथ टीम का भी देखना होता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत परेशानी प्लेयर्स को या कोच को। ये पहली बार नहीं था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम के लिए कोच नियुक्त किया, लेकिन इस बार मीडिया में हंगामा ज्यादा हुआ। नहीं, हंगामा इसलिए क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि अनिल कुंबले कोई छोटे मोटे प्लेयर नहीं रहे, वो बिरले प्लेयर्स हैं, देश के ही नहीं वरन विश्व क्रिकेट में ऐसे ही बिरले प्लेयर हैं जो लिविंग लीजेंड्स हम कहते हैं। तो उनकी ऊंचाइयों को कम थोड़ी आंका जा सकता है। तो जहां पे भी बहुत ऊंचे लेवल के जब दो प्लेयर्स की, दो इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, तो वहां हाइप तो रहता ही, और वही हाइप जो मिला है वो वही था, क्योंकि कंट्रोवर्सी हुई थोड़ी बहुत जो भी हुई होगी। बट मैं समझता हूँ इसमें बहुत अच्छा एक रोल जो कमिटी बनी है उन्होंने प्ले किया कि इसको एक हाई प्रोफाइल नाटक की तरह ना होके एक बहुत डिसेंट तरीके से उन्होंने दोनों को समझा के, दोनों को बिठा के और दोनों से बात करके, और जो निष्कर्ष जो भी निकला है वो बेहतर है। मुझे लगता है कि जब टीम इतने बड़े दिग्गज बैठेंगे, भाई लक्ष्मण है, सौरभ है, सचिन है, तो निश्चित तौर पर वो जो डिसाइड करेंगे वो भारतीय क्रिकेट के हित में ही होगा, प्लेयर्स के हित में होगा। तो उन्होंने बहुत, मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि उन्होंने बहुत बहुत मैच्योरिटी के साथ इसको हैंडल किया है। और देखिए, सौरभ ने भी कमेंट किया था कि इसको इतना लंबा नहीं जाना चाहिए था, उसको और थोड़ा तरीके से उसको हैंडल होना चाहिए था, जो मुझे लगता है कि हो सकता है कि थोड़ा सा, चूंकि जो जब दो बड़े प्लेयर्स इंडिविजुअल्स होते हैं तो वहाँ टाइम तो लगता ही है, तो उतना ही, बट इन्होंने इस कमेटी ने बहुत अच्छे से इस इशू को हैंडल किया है। पिछले साल जब कोच नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी तो यही कमेटी थी, लगभग यही नाम थे, रवि शास्त्री भी दौड़ में शामिल थे। इस बार भी कुछ ऐसे ही था कि वीरेंद्र सहवाग, रिचर्ड पाइबर्स और टॉम मूडी जैसे नाम भी थे शास्त्री के सामने। शास्त्री के लिए पिछली बार और इस बार में क्या फर्क आया कि पिछली बार वो पिछड़ गए और इस बार उनका नाम कोच के लिए नियुक्त हो गया? नहीं, पिछली बार का जैसे हमने देखा और जो थोड़ा बहुत भी कंट्रोवर्सीज हुई थी इनकी, कि सौरभ ने जो बोला था कि रवि शास्त्री को खुद आना चाहिए था, स्काइप पे इंटरव्यू ना देके खुद को आना चाहिए था, तो वहाँ जो एक दो इंडिविजुअल्स का एक ईगो क्लैश वाली भी चीज हो सकती है। बट
जहां यहां पे क्या हुआ, यहां पे इन्होंने बहुत संजीदगी से इसको इस निर्णय पे पहुंचे। इन्होंने प्लेयर्स को भी पूछा है, कैप्टन को भी पूछा है, और जो फीडबैक इन्होंने लिया है, मुझे लगता है कि वो जौहरी जो सीईओ हैं बीसीसीआई के, उनकी भी रिपोर्ट उन्होंने जो सबमिट की है तो महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने काफी अच्छे से, इसीलिए हो सकता है कि थोड़ा सा समय जो लगा है, क्योंकि कुंबले को, कुंबले ने जब मना किया कि मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा, तो कुंबले को के बाद अगर किसी को लेना था तो ये डिसीजन ऐसा था जिसमें आप एकदम से इमीडिएट नहीं ले सकते थे, आपको सोच विचार के इस निर्णय पर पहुंचना था। इस निर्णय में बात करें विराट कोहली की भूमिका की, कि विराट कोहली का इनपुट बहुत जरूरी था और उन्होंने कहा जा रहा है कि शास्त्री के पक्ष में की थी। एक प्रोसेस हमारे पास है, बोर्ड की प्रोसेस, चयन करता बैठते हैं, टीम चुनते हैं, वो खिलाड़ी कप्तान को दिए जाते हैं, फिर उस हिसाब से कप्तान अपनी टीम चुन के प्लेइंग 11 उतार के परफॉर्म करते हैं। ये बोर्ड एक समिति बनाता है जिसमें सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, लक्ष्मण जैसे दिग्गज हैं, उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि आप कोच चुने, तो वो अपनी समझ से कुछ अच्छे चुनेंगे। यहाँ आपको लगता है कि कप्तान का फीडबैक बहुत जरूरी था? नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब आप फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में कप्तान ही होता है जिसको अंदर सारी चीजों को हैंडल करना होता है। तो जब तक हम ये कहते हैं ना, मेन एक कप्तान है, उसको अगर हम उसके बहुत वैसे नहीं, बट हाँ उसके उसके हिसाब का अगर हम एनवायरनमेंट उसको देंगे, कंडीशंस उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस अगर हम उसके लिए बना के देंगे, तो उसके लिए भी परफॉर्म करना आसान हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि एक किसी भी टीम का कप्तान होना, और अगर भारतीय टीम हो तो उसका कप्तान का बहुत बड़ा अहम जिम्मेदारी होती है, प्रेशर, बहुत बड़ा प्रेशर होता है उस पर, खुद भी परफॉर्म करना है और टीम का भी परफॉर्मेंस निकलवाना है। तो वहां पे हम उसको जितना कंफर्ट जोन में रखेंगे उतना वो इंडिविजुअल तौर पे भी परफॉर्म कर पाएगा और टीम को भी परफॉर्मेंस ले पाएगा। तो फिर ये अधूरी आजादी नहीं हुई? एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि कोच कप्तान की पसंद का है, तो फिर टीम चुनते समय भी थोड़ा पूरी फ्रीडम। देखिए क्या होता है कि कहीं भी बहुत ज्यादा निरंकुशता हानिकारक होती है। हर आदमी की अपनी एक प्रिस्क्राइब एरिया होता है, कि एक एरिया है जहां पे उसको वो फ्रीडम दे रखा है। अगर हम कप्तान को फ्रीडम देंगे और वो कप्तान अगर जहां अपनी चीजों पे आ जाएगा, तो फिर निश्चित तौर पे है कि वो एक मानवीय वो भी होता है, तो वो अपने ही लोगों को अगर चांस देगा और उनको खिलाएगा। यहाँ देश की बात होती है, यहाँ हम टीम सिलेक्ट करते हैं अपने देश की करते हैं, देश की प्रतिष्ठा की बात होती है। तो वहां हम ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकते जिसमें भाई दोनों को एक चेक आपको रखना पड़ेगा। कप्तान को भी मालूम होना चाहिए कि मेरी सीमाएं क्या है, कोच को मालूम होना चाहिए कि मेरी सीमाएं क्या है। दोनों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, दोनों को अपनी अपनी सीमाओं को लांघना नहीं चाहिए। तो जहां ऐसा नहीं होता, जहां क्लैश नहीं होते इंटरेस्ट के बड़े इंडिविजुअल्स में, तो वहां फिर टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। हमने देखा है सौरव और जॉन राइट का पीरियड आप देख लें, फिर आप गैरी कस्टन का देख लें, तो वहां कहीं भी कोई परेशानी नहीं। और जब रवि शास्त्री का भी आप देखेंगे तो जो पीरियड रवि शास्त्री का है वो बहुत अच्छा गया, मतलब ऐसा नहीं था कि खराब आप कह सकते, बहुत अच्छा पीरियड गया था। और जहां अंडरस्टैंडिंग प्लेयर्स के साथ आपकी, तो जब ऐसी चीजें होती है तो कैप्टन भी रिलैक्स होता है और कोच भी रिलैक्स होता है। आपने बात की कप्तान और कोच की जोड़ियों की, हमारे पास थोड़ा पीछे चले तो कुछ उदाहरण मिलते हैं, अजहरुद्दीन, अजीत वाडेकर और बाद में। तो एक टाइम ये भी देखा बीसीसीआई ने, जबकि कोई कोच नहीं होता था, एक मैनेजर नियुक्त कर देते थे, तो उस वक्त में और आज की, आपको लगता है कि कोच की सचमुच जरूरत है? क्योंकि कुछ टीमें अभी भी कोच नियुक्त नहीं करती। नहीं, बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि आज हम क्रिकेट का देखेंगे, पुराने से आज का क्रिकेट बहुत अलग हो गया है। आज हम तीन एस्पेक्ट हम क्रिकेट के देख रहे हैं और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। T20 आज का क्रिकेट का एक नया वो है, उसके बाद वनडे क्रिकेट है और टेस्ट क्रिकेट है। पहले का अगर हम दूर उठा के देखेंगे तो आपको ये देखेंगे आपकी टेस्ट क्रिकेट हो गए, सारे टेस्ट मैच हो जाते थे, फिर उसके बाद वनडे होते थे या उसके बाद T20 होते थे, तो सबको मालूम है कि एक आपका फ्रेम ऑफ माइंड जो होता है कि मुझे टेस्ट मैचेस खेलना है तो मेरा दिमाग उस तरीके से तैयार है, मुझे वनडे खेलना है तो मेरे को टेस्ट मैच से वनडे पे सिक्योर करना है,
वनडे के बाद मेरा T20 है तो फिर मेरे को स्विच ओवर करना है। अभी ऐसा नहीं होता, अभी आपने टेस्ट मैच खेला, बीच में वनडे हो जाता है, बीच में एक सीरीज हो जाती है T20 की, तो वहां पे आपको बहुत प्रोफेशनलिज्म चाहिए। और जैसे जैसे चीजें बढ़ती जा रही है, आज हमारे यहाँ पूरा एक सपोर्ट स्टाफ कोच के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेनर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, फिर आपके जो मैनेजर, फिर कोच, कोच के सपोर्ट स्टाफ, बैटिंग विंग है, बॉलिंग विंग है, फील्डिंग कोच है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रवि शास्त्री की पहचान एक कमेंटेटर के तौर पर ज्यादा है, दुनिया भर में कमेंट्री करते हैं, तमाम खिलाड़ियों से मिलते हैं, उनके अनुभव हैं अपने मिलने के, ये फैक्टर कितना मायने रखेगा कि एक कमेंटेटर कोच बन गया? नहीं, बहुत मायने रखेगा, इसलिए मायने रखेगा क्योंकि क्या था कि जब आप कमेंटेटर थे तो आप क्रिकेट से जुड़े हुए, आप ऐसा नहीं था कि क्रिकेट से बाहर हैं और आपको आप आज के क्रिकेट को नहीं समझ पा रहे हैं। फिर आप बड़े लोगों के साथ बैठ के कमेंट्री करते हैं, वो लोग आपसे, फिर आप उन सब चीजों को डिस्कस करते हैं, वहाँ स्ट्रैटेजी डिस्कस होती है, इंडिविजुअल के बारे में आप डिस्कस करते हो, तो क्या होता है कि आपका आपका फोकस जो होता है वो क्रिकेट में ही होता है। और वहां से जब आप 10 बहुत जीनियस लोगों के साथ बैठोगे और उनसे जब डिस्कशन करते हो, उनसे जब चीजें निकल कर आती हैं, तो आप जब आप एक्चुअल में आप अप्लाई करोगे, अब आप कोच हो गए तो आपको वो सारी चीजें सिचुएशन में कहाँ किसने कैसे किया, कहाँ कैसा किया, कब क्या हुआ था, वो सब चीजें जब आप रिकलेक्ट करोगे तो उसका इम्पैक्ट जब आप अपने इस पे लाओगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो तमाम घटनाक्रम के बाद आखिरकार रवि शास्त्री भारतीय टीम के कोच बन चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि रवि शास्त्री विराट कोहली की जोड़ी भारतीय टीम को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगी। धन्यवाद।